नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को फिर से अपना चैनल में स्वागत करती हूँ। देखिए, इस तरह का बेल का शरबत बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी है और बहुत बढ़िया बनेगा। मार्केट का जो मैंगो फ्रूटी होता है, उस तरह बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बन के तैयार होगा। देखिए कितना बढ़िया है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अपना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारा रेसिपी कैसा लगा, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों देखिएगा, बहुत ही खास तरीका से ये बेल का शरबत मैं बनाकर सिखाऊंगी। बहुत ही बढ़िया बनेगा, ये खुद ही देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। इस तरह से मैं बनाकर आज सिखाऊंगी। एक बार बनाने के बाद कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे इसे। तो इसे बहुत लास्ट बढ़िया से वीडियो देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए बेल एकदम हल्का होना चाहिए, तो समझ जाइए कि ये पका हुआ है। इसे बूटे फल भी बोलते हैं, सिरफल भी बोलते हैं और बेल भी बोलते हैं। इसको तीन में कोई भी नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, इसको डंडी तोड़ के देख लेना है। जो मतलब पका हुआ बेल रहेगा, उसका डंडी बहुत हल्के हाथों से टूट जाता है। और इसको फेंक फेंक के देखिएगा तो बेल हल्का लगेगा, तो समझ जाइए पका हुआ है। ये बेलन के सहारे से टूट गया है। अब इसमें से बीच वाला पार्ट निकाल करके, जिसको गुद्दी बोलते हैं, बेल का गुद्दी, इससे निकाल कर और मैं शरबत बनाऊंगी। देखिएगा कितना बढ़िया बनेगा। बेल बहुत बढ़िया पका है, बहुत ही मीठा मीठा लग रहा है। इसमें कोई ज़्यादा सामान नहीं लगेगा और बहुत ही बढ़िया मार्केट का जूस जैसा बन के तैयार होगा। तो देखिए, इसको बेल को ऐसे बीच वाला पार्ट को निकाल के एक बाउल में रख लेना है। इस तरह से सभी को निकाल लीजिए। फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये बेल का शरबत कैसे बना और कितना बढ़िया लगा या नहीं, आपको पसंद आया है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इस तरह से कितना बढ़िया से सभी गुद्दी निकल गया है। अब इसको साइड में रख दीजिए। अब इसमें डालना है पानी। एक बेल में 2 लीटर पानी से बहुत सारा बेल का शरबत, वुड एप्पल जूस बन के तैयार होगा। अब इस तरह से इसको हाथों से मसल मसल के बढ़िया से घोल तैयार करना है। इसका बीज से नहीं घबराइएगा, बीज निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें बीज रहने से कोई दिक्कत नहीं करेगा। इसी में बढ़िया से घुल जाने के बाद में मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको बढ़िया से तैयार करना है। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए घोल तैयार हो गया है बढ़िया से। अब इसमें चीनी डालना है। चीनी डालना है 1 कप। एक बेल में चीनी 1 कप डलेगा। अगर ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं, कम पसंद है तो 1 कप से कम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ले रही हूँ 1 कप। और बेल, ये बाउल छोटा है इसलिए इसमें हाफ बेल का बना है, और बेल को एक और भगोने में बनाकर इधर तैयार कर लेना है। ये पूरा एक बेल का शरबत बन रहा है दोस्तों, बहुत सारा शरबत बनेगा और गाढ़ा गाढ़ा सा बनेगा। अब देखिए चीनी को इस तरह से आलू मेचर जो घोल बेसन का बनाने वाला जो होता है, उससे इसको बढ़िया से घोल घोल के मिक्स कर लेना है। चीनी को बढ़िया से घुलने तक मिक्स करना है। उसके बाद बड़ा वाला मोटा वाला छन्नी, जिसमें चना बॉयल छना जाता है, पनीर छानिए, कुछ भी छानते हैं इससे, ये बड़ा वाला छन्नी ले करके और एक बाउल नीचे रख दीजिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा गिरा गिरा के इसे बढ़िया से छान लेना है और एक बड़ा चम्मच के सहारे से इसे चलाते जाना है।
इसे चलाने से क्या होगा कि इसमें से जो बढ़िया सा गुद्दी होगा वो सब निकल के नीचे बाउल में आ जाएगा और ऊपर बीज छन जाएगा। ये नहीं जूसर मशीन का ज़रूरी है और नहीं कुछ का, बहुत इजी तरीका से और बहुत आसान तरीका से मार्केट के फ्रूटी जैसा ये बढ़िया से जूस तैयार होगा। बेल का शरबत बहुत बढ़िया बनेगा दोस्तों, इसको बनाने के बाद फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए इस तरह से इसको बीच वाला पार्ट को जो इसमें बीज होता है उसको निकाल लेना है, साइड से इसको बीज हटा करके देखिए कितना बढ़िया शरबत तैयार हुआ। तो इसी आइडिया से इस शरबत को तैयार करना है, तो इसे बनाना ना भूलिएगा। इस तरह से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये रेसिपी आपको पसंद आया या नहीं। देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा सा जूस बन के तैयार हो गया, बहुत ही बढ़िया जूस बना है। अब इसी तरह भगोने वाला भी मैं तैयार कर ली, वो भी इसी तरह से तैयार हुआ है। अब इसको भी एक बाउल में छान ले रही हूँ। फिर देखिएगा कि एक बेल से कितना सारा शरबत बन के तैयार हुआ, सिर्फ एक बेल से इतना सारा और इतना गाढ़ा, इतना परफेक्ट शरबत बन के तैयार हुआ है। देखिए कितना यम्मी देखने से लग रहा है, बहुत ही खास बना है दोस्तों। तो इस तरह से बेल का शरबत जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें ठंडा होने के लिए फ्रीजर से आइस निकाल के मैं लाई हूँ एक कटोरी। एक एक आइस का टुकड़ा सभी गिलास में डाल देना है, एक एक आइस सभी में डालिए। जो बाउल में शरबत है इसमें 2-3 आइस डलेगा। अब इस आइस से क्या होगा, एकदम जैसे लगेगा फ्रीज से फ्रूटी निकालकर पी रही हूँ उस तरह से स्वाद लगेगा। इसी तरह से आप आइस डाल करके शरबत बनाइएगा, बहुत ही यम्मी लगेगा, बहुत ही परफेक्ट लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा, सभी लोग पसंद करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।